साईयो। से अच्छा तो बचपन ही था, ना बंदिशें थी ना समाज की चिंता। अब तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और कितने भी कोशिश कर लूं, लोग फिर भी कारण ढूंढ ही लेते हैं बातें बनाने के लिए। चल बेटा, हाथ धोले और खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाव पर गई है। वो भी ऐसा ही था, अगर किसी ने कुछ कह दिया या उसके मन का ना हुआ, वो भी तेरे जैसे ऐसे मुंह फुला कर बैठ जाता था, खाना पीना बंद। अगर अपने नहीं डांटेंगे तो क्या पराया आकर समझाएंगे? और फिर मैं तो तेरी आत्या हूं ना। देख, परिवार में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, और बड़ों की बातों का बच्चों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। देख बेटा, तुझसे बड़ी हूं ना, इसलिए हक से कह रही हूं, गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। बेकार की बातों पर भूखे मरने का शौक नहीं है मुझे। मैंने कहा ना, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। जिप्री, जिद नहीं करते बेटा, तेरी आत्या घर में सबसे बड़ी है, उनकी बात मान ले, चल खाना खा ले। आई, तुम भी शुरू हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम जाके खा लो। ठीक है, मत खा बस, और तेरी आई को भी भूखा रख। क्या? आई, तुमने कुछ भी नहीं खाया? जब बच्चा भूखा हो तो माँ के गले से निवाला कैसे उतर सकता है? चलिए मेरी बराबरी कर ले। अरे उम्र देखिए अपनी, मेरी तो उम्र है। भूखी रहकर नखरे दिखाकर मैं अपनी बात मनवा सकती हूँ, लेकिन इनकी उम्र है भूखे रहने की। बैठो। मुंह खोलो। पहले तू खा। आई, तुझे पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। चल पगली, तकलीफ कैसी? ऐसे करोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। वक्त आ गया है उंगली को टेढ़ी करने का। Thank you.
पवन भाई, मजदूरी से मिले पैसों से हमने ये फलों का ठेला तो शुरू कर दिया, लेकिन कल सारा दिन मंडी में रहे, किसी ने कुछ नहीं खरीदा। हमें कुछ दूसरा उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं अब्दुल, और कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। चलो अगर हम अपना ठेला इस चौराहे पर लगाएं तो कैसा रहेगा, क्योंकि यहीं से लोग मंडी जाते हैं जिन्हें फल खरीदने होते हैं। वो हमें फल बेचते देखेंगे तो यहीं से फल खरीद लेंगे। सुझाव तो अच्छा है अब्दुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंडी जाने वाले लोगों की नजरें इधर पड़ेंगी, क्योंकि ये चौराहा है अब्दुल, यहाँ से लोग गुजरते जरूर हैं, लेकिन ना तो यहाँ कोई गाड़ी रुकती है और ना ही लोग। और मंडी से लोग खरीदारी करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें चार जगह से मोल तोल करने का फायदा मिल जाता है। इतना घूमी हूँ हाट में पर एक लड़का नहीं मिला काम करने के लिए। दीजिए सेठ जी, मेरा मेहनताना दीजिए। ये क्या सेठ, इतने कम? देखो सेठ, मैंने कल भी और आज भी पूरा दिन काम किया है। काम किया है या काम बिगाड़ा है? कल तुमने एक बोरी को पटक कर फाड़ दिया, पूरा दो सेर बाजरा खराब हुआ है मेरा, उसका हर्जाना कौन भरेगा, तुम्हारा बाप? देखो सेठ, बाप को बीच में मत लाना, जो बोलना है मुझे बोलो। याद रखना, भगवान सब देखता है। भगवान सब देखता है, चल भाग यहाँ से। किधर मर गया था तू, लेकर चल इसको। ए लड़के सुन। जी कहिए। पढ़ना लिखना आता है क्या तुझे? हाँ जानता हूँ। तो मेरा एक काम करेगा? करूँगा ना, पैसे कितने मिलेंगे? अरे हाँ हाँ दूंगी दूंगी, अच्छे पैसे दूंगी, पहले काम तो सुन। ये कैसा काम है? अरे? नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम। अरे सुन, वो साहूकार की गालियां खाता है, मार खाता है, और मेरे जैसे लोग इतना छोटा सा काम कहते हैं तो मना करता है। सुन, मैं ना तुझे बाली दूंगी, बाली ऐसी महंगी वाली। सच? सच नहीं तो क्या, कलयुग घोर कलयुग आ गया है, एक बूढ़ी की बात पर विश्वास नहीं करता है। बताइए क्या लिखना है? तुझे ना इतना ही लिखना है कि राम जी भला करे। चल एक काम करते हैं, यहाँ ना बहुत भीड़ है, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। चल चल। लेकिन पवन भाई, कल तो हम सारा दिन मंडी में ही थे ना, कुछ बिका नहीं ना? और पवन भाई, मंडी में ग्राहकों की दुकानें बंद ही होती हैं, सब अपनी पुरानी दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। कुछ भी एक दिन में नहीं होता अब्दुल, दुकानदारी भी धीरे धीरे जमती है, बस सामान और व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोगों से दुआ सलाम करते रहो, धीरे धीरे हमारी पहचान भी बढ़ जाएगी, फिर हमारे सामान की भी बिक्री होगी। लेकिन यहाँ रहेंगे ना तो इक्का दुक्का ग्राहक मिलेंगे, मंडी जितने ग्राहक नहीं मिलेंगे। पवन भाई एक बार आजमा कर तो देखते हैं ना, अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो दोबारा मंडी में ही चले जाएंगे। अब्दुल तुमसे बड़ा हूँ मैं, और तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मेरा, और तुमसे ज्यादा समय से शिरडी में भी हूँ, मेरी बात मानो, मंडी ही चलते हैं। चल। लेकिन मेरे सुझाव में क्या खराबी है, एक बार आजमा कर तो देखते हैं, आज हम ठेला यहीं लगाएंगे। ऐसे कैसे लगाएंगे, मैंने कहा ना ठेला मंडी में ही लगेगा अब्दुल। नहीं, ठेला यहीं लगेगा। We'll be right back.
माफ करना पवन भाई। माफी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे अब्दुल? तुम तो बदतमीजी पर उतर आए। बड़ों का लिहाज तो दूर, तुम हाथापाई कर रहे हो मुझसे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था पवन भाई। तुम पहलवान हो गए अपने घर के, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ अब्दुल मियां। आप तो जानबूझ के धक्का दे रहे हैं। हाँ दे रहा हूँ, तो तू क्या समझता है धक्का देना सिर्फ तुझे आता है? रुको। आपस में लड़ना शोभा देता है आप लोगों को। बड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि अब जो पवन भाई कहे वही सही है। साईं, पहले इसने धक्का दिया मुझे, बड़ों की बात नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन इज्जत तो दे कम से कम। मैंने इज्जत से ही कहा था साईं कि ठेला चौराहे पर लगा देते हैं। और मैंने बात नहीं मानी तो बहसबाजी, हाथापाई पर उतर आए, ये होता है इज्जत देना? और आपने मुझे जानबूझ कर धक्का दिया। धक्का तुमने मुझे पहले दिया अब्दुल, झूठ मत बोलो तुम। आप झूठ बोल रहे। शांत शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों मेरे साथ आइए। कहां रह गया गधा? सुनिए, जी कहिए। शांता आका है क्या? हाँ है ना, आते आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा तो बुला ना उसे, अंदर बुला। आइए। प्रणाम आते। जीता रहे बेटा। मैं मृदुल, मुझे प्रहलाद दादा ने भेजा है। बैठना। प्रहलाद दादा के साथ काम करता हूँ। किसी काम के सिलसिले से शिरडी आया था तो उन्होंने ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा था। प्रहलाद दादा बता रहे थे जैसे ही आप शिरडी के लिए निकले वैसे ये चिट्ठी आ गई। धन्यवाद बेटा। घर में सब ठीक है? हाँ जी। चलो अच्छा है। जिपरी पानी तो पीला, क्या खड़ी है? हाँ पानी पी ले। मारुति के मंदिर के पीछे मिलना, दोपहर को आऊंगी तुमको मिलने। ये लीजिए। आप बहुत दूर से आए हैं, आप खाना खा के ही जाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे काम निपटा कर जाना है, चलता हूँ। प्रणाम आका। धन्यवाद। जीता रहे। अक्का किसकी चिट्ठी है? सुमित्रा, मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है, अगर आता होता तो तुझे बता देती ना। ए जिपरी, तुझे तो पढ़ना लिखना आता है ना, पढ़ के सुना ना किसकी चिट्ठी है। हाँ आत्या। जल्दी से बता ना किसकी चिट्ठी है। किसी ढोंडी ने भेजी है। अरे ढोंडी, तेरे फूफा जी का ना रिश्तेदार है वो। पढ़ना क्या लिखता है वो। प्रिय शांता काकी, चरण स्पर्श, हम सब यहाँ ठीक से हैं और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते। यह चिट्ठी लिखने का एक खास कारण है। आई के देहांत के बाद घर खाली खाली लगता है। हम सब तो काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन बाबा को दिन भर घर में अकेले रखना पड़ता है। एक तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, दूसरा उनसे बात करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, कम से कम बाबा से बात करने के लिए घर में कोई तो होगी। पर इसके लिए आपकी मदद चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी घर संभालने वाली लड़की है तो जल्दी से खबर कीजिएगा।
आप तो जानती है कि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई सुशील लड़की है तो बाबा उसके परिवार का भी ख्याल रखेंगे। बस आप कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले तो बाबा भी झट से हाँ कह देंगे। आपकी पसंद अच्छी ही होगी ना? हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। सादर नमस्कार, आपका ढूंढी। अक्का, ये लोग कौन है? अरे बहुत बड़े लोग हैं। बैठ बैठ बताती हूँ मैं तुझे। अरे इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, जो भी लड़की उनके घर शादी करके जाएगी ना, वो राज करेगी राज। सच में सोने में तोलेंगे वो अपनी बहू को, ऐसे लोग हैं। देखा सुमित्रा, कितना विश्वास है उन लोगों को मुझ पर। लिखा है जो लड़की मुझे पसंद होगी उसी के साथ शादी करेंगे। कभी कभी ना ऐसा विश्वास मेरे लिए जिम्मेदारी बन जाता है। कहां से ढूंढ कर लाऊं ऐसी लड़की जो उनके घर के लिए बिल्कुल सही हो। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो घर गृहस्थी संभाले, मिलनसार हो, लालची ना हो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करे, है ना? कहां मिलती है आजकल ऐसी लड़की? कोई तो होगी ना जो उस घर के लिए बिल्कुल सही होगी, है ना? जिप्री, लो बोलो। मैं तो बाहर ढूंढने निकली थी, हमारे घर में ही है। आत्या, क्यों, मैंने क्या गलत कहा? ऐसा लड़का तू दिया लेकर ढूंढने निकलेगी ना तो भी नहीं मिलेगा। किसने कहा आपसे मुझे शादी करनी है? अरे ये क्या बात हुई? कहीं नहीं जाऊंगी मैं आई को छोड़कर। मेरे सिवा आई का है ही कौन? मैं चली गई वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। देख जिप्री, तू जब भी जिसके भी साथ शादी करके जाएगी ना, तब सुमित्रा को तो यहाँ अकेला रहना ही पड़ेगा। एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, यही तो दुनिया का रिवाज है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना आत्या, मैं साई और शिरडी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस हाँ, मैं आपकी समस्या जानता हूँ, समझता हूँ उसे, लेकिन अगर समस्या है तो इसका कोई निदान, कोई समाधान भी होगा। आपकी इस समस्या का समाधान एक पहेली में छुपा है और उस पहेली को आप दोनों को ही हल करना होगा। पहेली? मैं समझा नहीं साईं। एक बार की बात है, एक जंगल के रास्ते से पांच दोस्त कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि हमें संभवतः ये बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ना चाहिए, इस रास्ते पर चलकर हम सुरक्षित जंगल से बाहर जा सकते हैं। ऐसा कहके वो बाईं ओर के रास्ते से चला गया। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से हमें ये दाईं ओर का रास्ता पकड़ना चाहिए, इस रास्ते पर चलकर हम जंगल से बाहर सुरक्षित जा सकते हैं। और वो दाईं ओर के रास्ते से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद तीसरे मित्र ने कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं, हम लोग सही रास्ते पर जा रहे थे और हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहके वो सीधे जिस राह पर वो लोग आ रहे थे उसी राह पर आगे चला गया। तब चौथे मित्र ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, मैं उसी रास्ते पर वापस चला जाऊंगा जिस रास्ते से हम आए थे, क्योंकि वही रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा कहके वो चौथा व्यक्ति
जिस राह से वो पांचों मित्र इस जंगल में आए थे उसी राह पर वापस चला गया। अब बचा पांचवा मित्र। उसने अपने चारों मित्रों को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे न केवल सबसे छोटा बल्कि सबसे सही रास्ता मिला। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा क्या किया होगा? आप लोग विचार कीजिए, मैं अभी आता हूं। पवन भाई, आपको क्या लगता है कि क्या किया होगा उसने? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हम दोनों मिलकर इस पर निष्कर्ष निकालें, कुछ सोचें, विचार करें तो पहेली जो है जल्दी सुलझ जाएगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। छोटा रास्ता भी और सही मार्ग भी, कैसे ढूंढा होगा उसने? जब देखो तब साई 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 करती रहती है। देख सुमित्रा, वो बच्ची है लेकिन तू तो बड़ी है ना। अरे बेटी की माँ है, आज नहीं तो कल तुझे जिप्री की शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो कल क्यों, वैसे भी तेरे पास देने के लिए है क्या? हाँ, इस रिश्ते में तो तेरा अकेले रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिखा है ना उन लोगों ने, हाँ ये सबको संभाल लेंगे। उस घर में शादी होगी ना तो तेरी बेटी राज करेगी और तुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम दोनों ने बहुत दुख उठाए हैं। सुख जब सामने से चलकर आया है तो मना मत कर। लेकिन अक्का, वो लोग इतने अमीर हैं, मेरी झिपरी को क्यों चुनेंगे? अरे मैं कहूंगी इसलिए, मुझ पर कितना विश्वास है ना। और तू ही बता, झिपरी से बेहतर कोई लड़की है उस घर के लिए? इसीलिए कहती हूँ सुमित्रा, एक बार तू इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। सुमित्रा, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए और अपनी योजना को तुझे या झिपरी को बर्बाद करने तो नहीं दे सकती। मैंने यहां आने से पहले योजना बना ली थी, बस तू हाँ कहे और मेरा काम हो जाएगा।